नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मल्टीटेक। आखिरकार अब जाके पोको X3 के लिए MIUI 12.5 का ऑफिशियल रोम पायलट टेस्टर्स के लिए रोल आउट होना शुरू हुआ है, जो कि ग्लोबल रोम है। इस टाइम पे इंडियन रोम अभी नहीं आया है, लेकिन ग्लोबली ये पायलट टेस्टर्स को मिलने लगा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ग्लोबल है और ये बिल्कुल ऑफिशियल रोम देखने को मिल जाता है। ये कोई भी पोर्टेड रोम या कस्टम रोम देखने को नहीं मिलता है। ये प्रॉपर एक MIUI 12.5 पोको X3 के लिए देखने को मिल जाता है, लेकिन ये पोको X3 NFC के लिए देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसे इस टाइम पे पोको X3 करना, जो इंडियन वेरिएंट है, इसमें इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के लिए आपको कस्टम रिकवरी चाहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बात करें इस रोम की, तो ये रोम MIUI 12.5 है, लेकिन इसमें कोई भी मुझे ऐसा फीचर नज़र नहीं आया जो कि MIUI 12.5 के तरह लगे, कुछ अलग सा इसमें फील दे। ऐसा मुझे अभी तक कोई भी फीचर इसमें देखने को नहीं मिला है। जो भी फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट जो पहले मिलता था हमें, वही इस टाइम पे मिल रहा है। कोई भी इसमें अलग से एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं किया हुआ है जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करे MIUI 12 और 12.5 में, जो कि ये काफ़ी बुरी बात है। क्योंकि जब चाइना में इसका अपडेट आया था तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे, लेकिन इंडिया में किसी में भी कोई खास फीचर्स देखने को नहीं मिला है। चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, सभी में फीचर्स लिमिटेड ही देखने को मिले हैं। थोड़ा बहुत स्मूथनेस है, लेकिन उतना ज़्यादा भी स्मूथ नहीं है। स्लाइटली ये बेटर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है ज़रूर, लेकिन एज यूजुअल पहले के तरह ही मिल जाता है। कुछ खास इसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं, वो आप भी खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली इसे इंस्टॉल तो कर ही सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके स्कोर वगैरह को दिखा दूं, किस तरह का इसका स्कोर वगैरह देखने को मिला है। सबसे पहले मैं इसका CPU थ्रॉटल दिखा दूं आपको, तो आप देख सकते हैं CPU थ्रॉटल ठीक ठाक देखने को मिला है। इसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। काफ़ी एक अच्छी बात है कि इसमें हमें थर्मल थ्रॉटलिंग वाला कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी। और बात करें इसके गीक बेंच स्कोर की, तो आप देख सकते हैं सिंगल कोर में 561 और मल्टी कोर में 1697, जो कि ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है, डिसेंट सा जो हमें देखने को मिलता है ऑन एवरेज, वही देखने को मिला है। इसमें कुछ ज़्यादा हमें खास स्कोर भी देखने को नहीं मिला है, डिसेंट सा स्कोर देखने को लेकिन हमें मिल जाता है, जो कि रोम्स में मिलते हैं जनरल। UI वगैरह में चेंजेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पैनल चेंज हो चुका है, जो कि MIUI 12.5 वाला ही है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, ये प्रॉपर हमें देखने को MIUI 12.5 वाला मिल जाता है। पावर मेन्यू इसमें नॉर्मल मिलता है, काफ़ी सारे डिवाइस में यही वाला पावर मेन्यू देखने को मिला है। बहुत कम डिवाइस है जिसमें कि लेटेस्ट पावर मेन्यू देखने को मिला है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें मिल जाए। कि अभी तक इसमें सिस्टम ऐप्स को रिमूव करने का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी ऐप में अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बुरी बात है। क्योंकि MIUI 12.5 का मुझे यही एक फीचर पसंद आया था, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में ये किसी भी डिवाइस में अभी देखने को नहीं मिला है। डायलर और मैसेजिंग ऐप आपको वही गूगल वाला ही देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कोई चेंजेज नहीं। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भी पहले वाला ही सारा फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं ऐड किया गया। ये जो पहले हमें देखने को मिल जाते थे MIUI 12 में, वही सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। कैमरा में भी वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर लेटेस्ट वाला देखने को मिला है, जैसा कि देख सकते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे स्टक हो जाता है बॉटम में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और स्वाइप करने से यहाँ पे कंट्रोल सेंटर लेटेस्ट वाला देखने को मिला है, जैसा कि देख सकते ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे स्टक हो जाता है बॉटम में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और स्वाइप करने से हम नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर में स्विच कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी फीचर हमें देखने को मिल जाती है, जो कि MIUI 12.5 का
नया फीचर हमें देखने को मिला है। और मुझे कोई खास इसमें फीचर नया देखने को नहीं मिला, यही कुछ फीचर एक दो थे बस, इतने ही फीचर थे और कोई भी फीचर मुझे नोटिस नहीं हुआ अभी तक कि इसमें आया, क्योंकि ये सारे फीचर्स तो हमें पहले वाले ही देखने को मिल जाते हैं जो कि एंड्रॉयड 11 के अपडेट के साथ हमें देखने को मिला था। और कोई भी यहाँ पे लेटेस्ट फीचर हमें देखने को नहीं, पेपर सेक्शन में वही नॉर्मल सा पहले वाला ही मिल जाता है, कोई भी नया यूआई यहाँ पे देखने को नहीं मिला। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में हमें जो पहले ऑप्शन मिलते थे वही सारे ऑप्शन अभी भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ भी कोई अलग से फीचर नहीं दिया। बैटरी वगैरह का भी जो पहले वाला ही यूआई था वही देखने को मिला है, कोई भी लेटेस्ट यूआई यहाँ पे देखने। स्पेशल फीचर्स में भी कोई खास नया फीचर नहीं देखने को मिला है, जो पहले था वही मिला है। गेम टर्बो वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि वॉइस चेंजर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिलती है, जो कि पहले से ही मिल रही है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट कोई भी फीचर इसमें भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं। कुछ बताना था, कोई खास फीचर इसमें है नहीं, सिर्फ आपको यही न्यूज़ देना था कि ग्लोबली पोको X3 के लिए MIUI 12.5 का ऑफिशियल पायलट टेस्टर के लिए रिलीज कर दिया गया है। बहुत ही जल्द अब ये इंडिया के लिए भी रिलीज हो जाएगा, एक या दो मंथ के अंदर सभी लोगों को ये अपडेट मिल सकती है। ग्लोबल आने के बाद ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता इंडियन आने में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक या दो मंथ में आपको देखने को मिल सकता है ये। जो आपको पहले MIUI 12 में फीचर्स देखने को मिलते थे एंड्रॉइड 11 वाला, वही सारे फीचर्स अभी भी आपको MIUI 12.5 में भी देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर शायद फीचर्स बढ़े, इस टाइम पे जो फीचर्स है वो लिमिटेड है या कहें कोई भी फीचर्स एक्स्ट्रा नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अब पोको X3 के लिए MIUI 12.5 का रोल आउट होना शुरू हो चुका है ग्लोबली, इंडिया में भी बहुत जल्द हो जाएगा। इस रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो कस्टम रिकवरी से इसे इंस्टॉल कर तो आप वेट कर सकते हैं, बहुत ही जल्द अब आपको मिलेगा ही। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।